व्यवर इन दिस टूडे आई विल शो यू हाउ टू चेंज टैक्स ऑरिएशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल थ्री सिक्सटी फाइव किस तरह हम टैक्स का ओरियंटेशन चेंज कर सकते हैं ईजीली बाई यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स तो आइए स्टार्ट रहते हैं किस तरह हम इसको चेंज करेंगे ये शीट आपके सामने है टॉप वन रो इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें गो टू फॉर्मेट सेल फार्मेट सेल पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट और इसके साथ डिग्री भी लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर डिग्री में वैल्यू आप टाइप कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री ओके बटन आप प्रेस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट अगेन इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ इसमें मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करें गो टू फार्मेट सेल और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं मैनवली ठीक है ये डायरेक्शन भी आप दे सकते हैं ओके okay बटन प्रेस करें तो ये 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया इसका ओरिएंटेशन अगेन फॉर्मेट सेल पर आप चले जाएं यहाँ से माइनस नाइन्टी डिग्री ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं ओके okay बटन प्रेस करें तो टेक्स का ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं फार्मेट सेल पर मैं अगेन जाना चाहता हूँ और यहाँ से मैं ज़ीरो डिग्री सेलेक्ट करता हूँ ओके okay बटन प्रेस करें तो ये अगेन नॉर्मल हालत में आ जाएगा ठीक है फिर इसके बाद होम टेप पर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आ, डिफरेंट एंगल के साथ आप टेक्स को चेंज कर सकते हैं इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं इसको आप रोटेट कर सकते हैं ईजीली इस रो का हाइट मैं चेंज करना चाहता हूं और फिर इसके बाद होम टेप से मैं डिफ़रेंट ओरिएंटेशन इस पर अप्लाई करूंगा ये साइज़ मैंने सेलेक्ट किया फिर इसके बाद होम टेप पर मैं जाना चाहता हूं यहां पर आप क्लिक करें यहाँ से टेक्स्ट uh, डायरेक्शन आप दे सकते हैं जो आपकी मर्जी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली तो व्यूबर इसी तरीके से टैक्स ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो